वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको शकरकंदी को बॉईल करना बताऊंगी बिना पानी के, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर ही। साथ ही साथ मैं कुछ दूंगी टिप्स, तो मेरा वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें। बहुत ही आसान मेथड से मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। शकरकंद खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसको हम सुपर फूड भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। शक्करकंदी को दो बार अच्छे से हमने पानी में वॉश कर लिया है। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि शक्करकंदी के ऊपर जो होती है ना डस्ट बहुत होती है, तो उसको हमें अच्छे से पहले वॉश करना है। तो अब हम शक्करकंदी को बॉईल करेंगे, यानी कि कुकर में हमें इसको पकाना है, वो भी बिना पानी के। बहुत ही इजी और आसान तरीका है। उससे पहले हमें एक स्टेप और करना है, वो है शक्करकंदी के जो है हम आके से इस तरह के जो नक्के होते हैं ना ये हम उतार लेंगे। इस तरह बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह हमें इसको उतारना है, इस तरह हमें इसको कट करना है। गैस पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है घी, बिल्कुल थोड़ा सा ही घी हमें डालना है, बिल्कुल इतना ही, हाफ टी स्पून जितना ही हमें इसमें घी डालना है और इसको मेल्ट करना है। तो कम फ्लेम पे हम घी को मेल्ट होने देंगे। ये देखिए घी जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। हर तरफ जो है इस तरह हम प्रेशर कुकर को हिला लेंगे ताकि घी जो है सभी तरफ हो जाए। अब एक एक करके हमें शक्करकंदी को कुकर में डालना है, पास पास में हमें इसको रखना है। ये देखिए इस तरह हमें इसको रखना है। यदि आप ज़्यादा बॉईल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर आप और कर सकते हैं। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे और छिलके जो है इसके बहुत ही मोटे उतरते हैं। तो प्रेशर कुकर को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। 5 से 10 मिनट हमें इसको कम फ्लेम पे ही पकाना है। बिल्कुल मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, कुछ भी मैंने इसमें घी के अलावा कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। बस कम फ्लेम पे हमें 2 से 3 सीटी आने तक ही हमें इसको पकाना है। लेकिन एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, बीच बीच में जो है हम कुकर को हिलाते जाएंगे। इस तरह हमें इसको हिलाना है, इससे क्या होगा कि जो शक्करकंदी ना वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगी। ये तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इस तरीके से यदि आप शक्करकंदी को बॉईल करेंगे ना तो आपकी शक्करकंदी बहुत ही अच्छी और खिली खिली बनेगी। यही यदि हम ओवन में बेक करते हैं तो उसमें हमें खूब टाइम लगता है। यदि आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो इसका जो टेस्ट भी ना बहुत लाजवाब आएगा। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इस तरह हम हिला लेते हैं। शक्करकंदी खाने में बहुत ही फ़ायदा करती है, बहुत ही गुणकारी होती है। बच्चों को तो ये ज़रूर खिलाना चाहिए। बहुत सी बार हम पकाते हैं तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है या इसकी मिठास नहीं रहती है पानी में बॉईल करने से, या कभी कभी ऐसा होता है कि शक्करकंदी जो है जल भी जाती है और छिलके जो है इसके बहुत ही मोटे उतरते हैं। लेकिन यदि आप इस मेथड से शक्करकंदी को बॉईल करेंगे यानी कि पकाएंगे ना, तो आपकी शक्करकंदी में ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई ना ये कुछ भी नहीं होगी। 10 मिनट हो गए हैं, शक्करकंदी भी हमारी पक गई है। तो जब तक कुकर का जो प्रेशर नहीं निकलेगा तब तक हमें इसको नहीं खोलना है। जब कुकर ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको खोल के निकालेंगे। कुकर जो है पूरा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो चलिए अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शक्करकंदी हमारी जो है ये देखिए सिक गई है, बिल्कुल भी कहीं से जली नहीं है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी गर्म है, बिल्कुल अच्छे से हमारी बेक हो गई है। ये देखिए सभी को मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कहीं से भी जो है कुकर हमारा जला नहीं है। अब मैं आपको छिलके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी शक्करकंदी जो हमारी बेक हुई है ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी ठंडी भी हो गई है। बड़ी आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल पतले छिलके निकल रहे हैं, मोटे भी नहीं निकल रहे हैं। शक्करकंदी का जो छिलका हमने उतार लिया है बहुत ही आसानी से, ये देखिए इसको अब कट करके देखेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी, और देखिए दबाने से दब रही है। बहुत ही अच्छी शक्करकंदी जो हमारी बेक हुई है। इस तरीके से यदि आप शक्करकंदी को बॉईल करेंगे तो आपकी शक्करकंदी बहुत ही टेस्टी बनेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।